अनोखा व्यंजन। तो कैसे हैं सब लोग? आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। वन वीक हो गया है तो बहुत बारिश थी, तो थोड़ी सबके घर में तबीयत थोड़ी थोड़ी ये थी, तो अभी सब अच्छे हैं। तो अभी मैं आज बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल है, फटाफट बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने ये पनीर ली है, 300 ग्राम पनीर है। उसको कद्दूकस करके ली हूँ पनीर को, आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ के ले सकते हैं। तो मैं कद्दूकस की हूँ, तो ये देखने के लिए भी अच्छा है और बनाने में मतलब अच्छा लगता है। और ये दो मीडियम साइज के टमाटो है, उसको बारीक काट ली हूँ। और ये दो बड़े साइज के प्याज है, उसको भी बारीक काट ली हूँ। और दो हरी मिर्ची दी हूँ मैं, मतलब ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डालें नहीं तो मतलब नहीं। और धनिया पत्ता और बाकी सभी मसाले जो अपना रेगुलर डालते हो डालेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, पहले इसमें तेल डाल देती हूँ मैं। ये चम्मच से 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है तो इसमें पहले ये प्याज और ये मिर्ची है दोनों को डाल देती हूँ। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज ब्राउन हो गया है देखिए, तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी, इसको भी मिला लेंगे। और इसमें ये टमाटो, ये टमाटो है मीडियम साइज के, बारीक काट ली हूँ, इसको डाल लेंगे। अब इसको मिलाएंगे और सभी मसाले को डाल देती हूँ, तो सब एक साथ फ्राई हो जाएगा। तो ये आधा चम्मच, ये बड़े चम्मच 1 टेबल स्पून है, ये बड़े चम्मच से आधा चम्मच धनिया पाउडर डाली, ये आधा चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और सबको अच्छे से मिला लेंगे और मसाला को फ्राई होने देंगे। तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, तो क्या टमाटर फटाफट गल जाएगा। तो अब इसको मिला देंगे तो मसाला भी फटाफट जल्दी से फ्राई हो जाएगा और टमाटर भी गल जाएगा। मसाला फ्राई अच्छे से हो गया है, टमाटर भी गल गया है देखिए, और तेल भी छोड़ रहा है। तो अब इसमें पनीर को डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक बस स्लो गैस पे इसको पनीर को बस पका लेंगे, ज़्यादा पनीर नहीं पकाएंगे। तो इसमें अभी मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। ये 1 चम्मच छोटा चम्मच चाहिए, इससे 1 चम्मच गरम मसाला डाली। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक के बस 5 मिनट घड़ी से देख के 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। देखिए, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पनीर क्या मतलब हम लोग ने कद्दूकस किया है ना, तो इसके लिए एकदम बारीक बारीक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अभी इसको ढक्कन से बस देखिए गैस को मीडियम कर रही हूँ मैं, देखिए ये मीडियम कर दी और इसको ढक्कन से ढक के बस 5 मिनट तक उसको मतलब पनीर थोड़ा सॉफ्ट ये हो जाए, पक जाएगा तो हमारा भुर्जी रेडी। 5 मिनट हो गए हैं तो हमारा भुर्जी रेडी हो गया है देखिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और गैस को बंद कर देंगे। तो भुर्जी रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है देखिए, भुर्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो रेडी हो गया हमारा पनीर भुर्जी, तो एक बार आप भी ट्राई करें, कितना इजी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही इजी है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।